फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह सुबह मैं क्या दिखा रही हूँ, वेजिटेबल काल जो लेकर आई थी उसको तो मैं रात को क्लीन करके सुखाने के लिए दी थी। अब थोड़ा ही बहुत सूख गया है और ये फिर से एक बार मैं अच्छे से पोंछ लिया है इसको, क्योंकि बच्चों ने अभी ब्रेकफास्ट में खाए थे ये। और यहाँ पे है खूब सारा परवल, ये हमारा घर का सबका फेवरेट है ये सब्जी में, ये परवल सबको बहुत पसंद है। और इसको रात को मैं भिगोई नहीं थी क्योंकि खराब परवल को ज्यादा पानी में भिगाती है ना तो खराब हो जाता है, तो अभी मैं सुबह सुबह आधा घंटा पहले ही दिया था पानी में। अब इसको अच्छे से ड्राई करके पोंछ के रखूंगी फ्रिज में। और ये जिंजर गार्लिक, इसको भी अभी सुबह ही दिया है, दोनों को सुबह ही दिया है, इसको अच्छे से क्लीन करके रख दूंगी। पहले तो लहसुन को मैं पानी में नहीं देती थी, नहीं धोती थी, पर अभी तो धोना है, सारे चीज को धोती हूँ, प्याज लहसुन भी। और आज मैं राइस हांडी में बनाऊंगी, इसलिए गैस के ऊपर चढ़ा दिया पानी। और वेजिटेबल को भी उसी बीच में, जब पानी गर्म होगा इस बीच में वेजिटेबल को भी सारे रख दूंगी फ्रिज में। और आज क्या सब्जी बनाऊं वो एक सोच रही हूँ, वो माइंड में चल रहा है क्योंकि इतना सारा सब्जी है और क्या क्या बनाऊं सोच रही हूँ। एक दो आइटम तो बनाऊंगी, वो एक मिक्स करी बनाऊंगी, आलू बैंगन सब डाल के एक मिक्स करी बनाऊंगी। और आज दाल नहीं बनाऊंगी सोच रही हूँ, वो टमाटर है ना इसका बनाऊंगी, एक हमारा बोलते है चटनी टाइप का, खट्टा बोलते है टमाटर खट्टा, उस जागरी डालकर थोड़ा पतला सा करते है, उसको राइस के साथ मिला के खाने में बहुत अच्छा लगता है। और वो परवल को ना बड़ा बड़ा कट करके ऐसे बीच में कट करके फ्राई करके से खाएंगे। और कुछ कभी कल तो संडे, कल कुछ बनाओगे और अच्छा वाला आइटम। आज वैसे भी तो अभी नहीं है, और इवनिंग को आएंगे, इवनिंग को कुछ होगा तो बनाऊंगी। और स्टार्ट कर दूंगी मेरे कुकिंग क्योंकि 11:30 हो गया है। और ये सारा स्पून उसके जगह पे रख दूंगी। ये पहले का फ्रिंजर है, इसको आज करी बना दूंगी और ये फ्रिंजर का रख दूंगी। ये दोनों लक्की बहुत बहुत फ्रेश है, इसका तो सब्जी बनाऊंगी। ये बहुत मतलब बहुत ताजा है, देखिए पूरा ग्रीन कलर। और ये छोटा वाला बनाना, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसका बहुत स्वीट रहता है। ये ऑर्गेनिक जो ये होता है ना, इसमें केमिकल यूज नहीं होता है तो बहुत स्वीट लगता है ये। अब मैं इसको फ्रीज में रख के आती हूँ। अब मैं बनाऊंगी मिक्स करी। कुकर में ऑयल ले लिया है मैंने, और ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद 5 फोड़न और ड्राई रेड चिल्ली का तड़का लगा दूंगी। फिर उसमें थोड़ा हींग डाल दूंगी। फिर फ्राई होने के बाद सारे वेजिटेबल को डाल दूंगी इसके अंदर। अब थोड़ा भूनूंगी और ये थोड़ा नमक डाल के मैं ढक के रख दूंगी, तो वेजिटेबल थोड़ा कम हो जाएगा, पक जाएगा। थोड़ा देखिए कम हो गया है वेजिटेबल। अब मैं उसको अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर इसमें हल्दी नमक चिल्ली पाउडर सारा चीज़ डाल दूँगी। नमक तो पहले डाल दिया था, अब मैं इसको पील मिक्स करूँगी अच्छे से। इसको बस मिक्स करना है वेजिटेबल को मसाले के साथ, और तो ज़्यादा कुछ तो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐसा कुछ नहीं पड़ रहा है। बस अभी मैं टमाटर डाल के फिर से मिक्स करूँगी। अब मैं इसके अंदर पानी दे दूंगी,
पानी देके फिर अच्छे से मिक्स करके सिटी लगा दूंगी, दो सिटी लगाऊंगी, दो से तीन सिटी। अब पोटल आलू को फ्राई करूंगी। कढ़ाई में तेल ले लिया, अब प्याज ले लूंगी, प्याज को फ्राई करूंगी। फ्राई करके नमक डाल दूंगी, फिर हल्दी पाउडर डाल के फ्राई करूंगी अच्छे से। फिर अब चिल्ली पाउडर डालूंगी, चिल्ली पाउडर को भी फ्राई कर दूंगी। अब पहले पटाटो डालूंगी, पटाटो को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैं परवल डालूंगी। परवल आलू प्याज सारे चीज़ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करके ढक के सीम में मैं पकाऊंगी इसको। अब इधर मैं टमाटर खट्टा बनाऊंगी। कुकर में मैं ऑयल ले ली हूँ, तो ऑयल गर्म होने के बाद सारे टमाटर में डाल दूंगी, कटा हुआ टमाटर डाल के इसके अंदर हल्दी, चिल्ली पाउडर और सॉल्ट देकर मिक्स कर दूंगी। मिक्स करके इसको पकाने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक पूरा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। और एक जागरी का टुकड़ा भी डाल दूंगी। जागरी पाउडर भी आप यूज कर सकते हो या शुगर भी ले सकते हो। बस जागरी पूरा मेल्ट हो गया है, अब मैं उसको थोड़ा से मिक्स कर दूंगी। टमाटर पूरा गल जाएगा। अब मैं इसके अंदर पानी दे दूंगी, जितना पतला चाहिए आपको उतना पानी दीजिए। और ये खट्टा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा दोनों होगा, अच्छा लगेगा। बस इधर मेरी परवल आलू का सब्जी भी हो गया है फ्राई वाला, और थोड़ी देर पकाऊंगी बस। और ये मेरी मिक्स करी भी बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर धनिया पत्ता डाल दूंगी। बस रख दूंगी ढककर। उसी बीच में मेरा टमाटर का उबल आ गया है। अब मैं इसका तड़का लगा दूंगी। तड़का में मैं ऑयल ले ली हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद मैं उसमें पंचफोरन डालूंगी, फिर इसमें ड्राई रेड चिली डालूंगी। थोड़ा ऐसे क्रैकल होने के बाद मैं इसमें हींग डालूंगी। अभी हींग डाल के ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा ही हम करी पत्ता यूज करेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बस तड़का लगाना हो गया मेरा टमाटर खट्टा का। ये बहुत टेस्टी लगता है राइस के साथ, गरम गरम राइस के साथ टमाटर खट्टा। खाना बनाना हो गया है पूरा, चारों चूल्हे पे चारों आइटम रख दिया मैंने, और बच्चों को भी खाना दे दूंगी। और आज प्योर वेजिटेरियन है, पर बहुत अच्छा लगेगा नया नया रेसिपी। और बच्चों को ये टमाटर खट्टा ये बहुत पसंद है। बाबा देखा तेरा फेवरेट आज बनाया टमाटर खट्टा, अच्छा लगा। चलो अब इसको भी खाना दे देती हूँ बच्चे को। और ये परवल का सब्जी पहले खाना दे देती हूँ बच्चे को। ये रहा आज का लंच, ये टमाटर खट्टा और राइस, ये है परवल आलू का फ्राई, और ये मिक्स करी। आप करेंगे लंच, मामून खाना ले रही है। मामून बाबू का खाना ले लें। चलो ठीक है, फिर खाना पाना खा के आपके साथ मिलते। कर लेती हूँ लाइट को ऑफ और किचन को बाय बाय। चलो अब बाबू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और यहाँ पे खाना लग गया है। बाबा लाइट ऑन कर लो थोड़ा, मामा लाइट ऑन कर ले, फैन भी ऑन कर ले।
ये रहा आज हमारा खाना लंच, प्योर भेज थल राइस, ये टमाटर खट्टा, परवल आलू का फ्राई और ये मिक्स वेज करी, हमारा आज का भेज थाली। अम्मा बेसो बाबू आज मैं भी खाना खा लू। ये क्या गाड़ी का साउंड बाबू, धूम बाइक यू लाइक, तुझे पसंद है ना धूम बाइक? नहीं। ओके खाओ, कैसा लगा बोलो आज टमाटर खट्टा? टमाटर खट्टा भी मैं बहुत दिन के बाद बनाई हूँ आज, बच्चों से पूछते कैसा हुआ। किसा बाबू यम्मी, अच्छे से काट, इसको मिक्स करो राइस के साथ, मिक्स करो टमाटर खट्टा। अमन अच्छा हुआ है, इतना हवा आ रहा है आज, वाओ सो कूल कूल क्लाइमेट, बहुत अच्छा क्लाइमेट हो रहा है। अभी 2 बज रहा है पर कितना ठंडा लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है सो जाओ थोड़ी देर। लंच हमारा हो गया है और अब बाबू को थोड़ा निंदु निंदु करेगा बाबू, हाँ बाबू को निंदु निंदु करेगा ना, सो जाएगा बाबू। और कल हमारा उड़ीसा का एक अच्छा वाला फेस्टिवल है, कल नहीं कल से 3 दिन चलेगा वो फेस्टिवल, वो है हमारा रज करके वो फेस्टिवल एक है, उसमें सब कुंवारी लड़की, हम भी हम ज्यादा कुंवारी टीनेज के लड़की लोग ज्यादा एंजॉय करते, नया नया कपड़ा पहनेंगे, सजेंगे और अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, मैं अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी और बच्चों को खिलाऊंगी। और जब ऐसे लॉकडाउन नहीं था लास्ट ईयर, हम लोग इस पार्क में लेते बच्चों को झूला झूलने के लिए, तो मॉल में ले जाते, अच्छा अच्छा खाना पीना घूमना हो जाता था। 20 साल तो किधर नहीं, बस पर अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। और हमारा रज्जो में जो रज्जो 3 दिन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 दिन पर लगातार हम लोग करेंगे। तो कल एक में अच्छा वाला स्वीट रेसिपी, पिट्ठा बोलते हम लोग को, ये रज्जो में ये जरूर बनाते है, इसको बोलते पोड़ो पिट्ठा, वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं वो रेसिपी कल बनाऊंगी तो परसों आएगा तो वो बनाऊंगी पोड़ो पिठा, वो सबको पसंद है, मेरी बेटा को बेटी को मुझे और मेरे हॉबी तो एक बड़ा वाला वो खुद खा लेते, इतना पसंद है उनको पोड़ो पिठा। वो भी क्या बाबू, आज बहुत अच्छा हवा आ रहा है ना, तो ये तो एंजॉय कर रहा है, अभी सो जाएगा उसको नींद आ गई। बारिश होगा, बारिश तो भी होता है, डेली इवनिंग को बारिश होता है। चलिए फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।